अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे और लॉकडाउन में छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। अब थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एंगल्स। हमें क्या निकालनी है? सवाल से बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो गया क्या चीज़ निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, हम एंगल कौन से यूज़ कर रहे हैं? अभी एंगल्स लिखा है तो मैं अभी एंगल 45 के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, एंगल 45 के ऊपर काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सबसे मतलब हम सबसे पहले 45 पे करेंगे, उसके बाद 60 पे और 30 पे। ठीक है, तो अभी 45 पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, इसके नाम रख देंगे। सबसे पहले नाम ए, फिर रख दिया हमने बी और रख दिया सी। ठीक है बच्चों, ये हमारे एंगल्स के नाम हो गए। हमने जैसा कि कहा कि ये 45 का एंगल है, तो एंगल ए को मैंने मान लिया ये 45 का एंगल है। ठीक है, अच्छा, अब जैसा कि मालूम है हमें कि एक ट्राइंगल जो होता है उस तमाम के तमाम एंगल्स का ट्राइंगल के क्या होता है, सम 180 होता है। यानी कि तमाम एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो ये तो हो गया हमारे पास 90 का, इसको आप हटा दीजिए। अब ए 180 में से 90 हट गए। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? इन दोनों का सम होना चाहिए 90। ठीक है, यानी कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो 45 + 45 क्या होता है बच्चों? 90 होता है। सही है, यानी कि अगर मैं देखूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो है, ये वाला जो एंगल है ये बराबर किसके आया, ये 45 डिग्री के बराबर आया। अब मैं अगर एंगल बी देखूंगी तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 45 ही है। यानी कि ए का भी मेजरमेंट 45 है और बी का भी मेजरमेंट 45 है। अब क्या करें, अब देखेंगे हम इसके साइड्स पे। तो ये वाली जो साइड जो होती है, मैंने कहा था एडजेसेंट जो साइड होती है, हम एंगल ए से काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर एंगल्स ए से करेंगे या बी से करेंगे बात एक ही बनती है। वो इसलिए बनती है क्योंकि ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। तो अब साइड क्या होगा, तो साइड भी हमारे इक्वल ही होंगे क्योंकि एंगल हमारे इक्वल है, इसलिए हमारे साइड्स भी इक्वल होंगे। यानी कि जो इसकी बेस है, ये वाला साइड 45 है ना, तो हमने इसको एक्स मान लिया। ठीक है, और जो इसका अपोजिट साइड है, परपेंडिकुलर साइड है, हमने इसको क्या मान लिया, हमने इसको भी एक्स मान लिया। ठीक है, क्यों एक्स माना दोनों को? क्योंकि भाई यहाँ पर भी 45 है, यहाँ पर भी 45 है। जब एंगल 45 है, दोनों एंगल इक्वल हैं, तो दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। यानी कि एक साइड है एक्स और इसके इक्वल हो गए दूसरी साइड भी एक्स। ये वाली जो साइड है ये क्या है, ये हमारी है बेस, और दूसरी वाली साइड हमारी क्या है, परपेंडिकुलर। जी बच्चों, यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे, प्रॉब्लम है, पूछ नहीं सकते हम तो भाई ऑनलाइन हैं, तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप मुझसे। ठीक है बच्चों, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी अटकें तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे मज़ीद, किस तरह से सॉल्व होगा? तो सबसे पहले हमने कुछ फॉर्मूले याद किए थे। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? सबसे पहला जो फॉर्मूला था ना, वो फाइथागोरस का था। भाई फाइथागोरस ने बड़ी आसानी कर दी हमारे लिए। क्या बोला फाइथागोरस ने, पहले हम इसका नाम लिख देते हैं, इतना काम किया इसने, इसका नाम तो ज़रूरी है ना। तो फाइथागोरस थ्योरम क्या था? ये था एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। भाई इस फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि हमें बेस मालूम हो गई, हमें परपेंडिकुलर मालूम हो गया, ये दोनों साइड्स तो हमें मालूम हो गई, मगर इस साइड का क्या, ये वाली साइड भी तो मालूम करनी है। तो ये वाली साइड मालूम करने के लिए हमने यहाँ पे फाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। फाइथागोरस ने क्या कहा था हमें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला तो पक्का पक्का याद है हमें। अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मालूम करेंगे, हाइपोटेन्यूज बराबर किसके होता है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास है एक्स का स्क्वायर और बेस हमारे पास क्या है, ये भी एक्स है, तो ये भी हो गया एक्स का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो हमें पता है इसके साथ कोफिशेंट 1 लिखा होता है, इसके साथ भी कोफिशेंट 1 लिखा होता है, तो 1 + 1 क्या होगा हमारे पास, 2 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, और ये वाला एच ऐसे ही आ गया।
अब मुझे एच तो नहीं चाहिए, मतलब मुझे एच के ऊपर स्क्वायर जो नहीं चाहिए, ये स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, इधर भी एक रूट लगा दूँगी और इधर भी रूट लगा दूँगी। रूट तो स्क्वायर का दुश्मन होता है ना, इसलिए ये इसको ख़त्म कर देगा। यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, सिर्फ एच अकेला बच जाएगा जो हमें चाहिए था। यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये एक्स के ऊपर है, यानी कि ये रूट एक्स पर भी है और एक्स पे स्क्वायर भी है, ठीक है। और ये वाला टू है, इस पे भी रूट है, तो टू का रूट तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर जो एक्स का स्क्वायर है वो उसके रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास देखिए क्या आ गई, बेस की वैल्यू भी आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ गई और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अब हमें पहले से ही पता है ये वाला फॉर्मूला कि सम पीपल हैव, सही है। दूसरा है क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर। तीसरा क्या है हमारे पास, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, सही है। ये तो हमें याद हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइन है, ये जो एस है ये साइन कर देंगे, ये जो सी है इसको कॉस कर देंगे, और जो ये टी है इसको टेन कर देंगे, सही है। अब हमारे पास एंगल, हम कौन सा काम कर रहे हैं, एंगल हम 45 का काम कर रहे हैं, तो 45 लिख दिया, यहाँ पर भी 45 लिख दिया, यहाँ पर भी 45 लिख दिया, सही है। अब मुझे पता होना चाहिए कि मेरा परपेंडिकुलर क्या था। मेरा परपेंडिकुलर ये रहा, मेरा परपेंडिकुलर क्या था, एक्स था, मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब देखना है हाइपोटेन्यूज क्या था, अभी हमने निकाला था, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या था, एक्स रूट टू, तो दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज। ये मैं मिटा देती हूँ, बहुत ज़्यादा लिखती है, गंदा गंदा कर दिया, ये मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। इस लाइन को भी सीधा कर देती हूँ, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी हो गई है, सही है। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज, यानी कि मैं यहाँ पे एच भी लिख देती हूँ ताकि बिल्कुल कन्फर्म्ड हो जाए, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे एक्स लिख दिया, यहाँ रूट टू लिख दिया, सही है। अब देखो जो सेम वैल्यू होती है वो तो कट जाती है ना, तो हमने काट दिया, एक्स एक्स कट कर दिया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है और नीचे क्या है, अंडर रूट 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू भी बिल्कुल वैसे निकालेंगे, बिल्कुल हलवा। क्या किया, बी की वैल्यू, बेस क्या है हमारे पास, बेस ये रही एक्स, बी की जगह लिख दिया एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सेम टू सेम वही था, हाइपोटेन्यूज क्या था, एक्स अंडर रूट 2, एक्स से एक्स गया भाई, ये वाली वैल्यू भी आ गई और ये भी सेम वही थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम टेन की वैल्यू निकालेंगे, टेन क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास है एक्स, और बी क्या है, बेस, ये भी है हमारे पास एक्स, तो भाई ये दोनों कट गए और आंसर आ गया 1, कुछ भी नहीं बचा, और क्या बच गया, 1 आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें साइन की आ गई, कॉस की आ गई, टेन की आ गई, अब साइन का उल्टा करेंगे भाई। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है, याद रखिएगा, एस का उल्टा सी, तो कोसेक हो गया, तो कॉस कोसेक क्या होगा, कोसेक 45 ही होगा, ठीक है, तो कोसेक 45 हो गया। मैंने बोला एस का उल्टा सी, और सी का उल्टा क्या होगा, सी का उल्टा होगा एस, यानी कि सेक, ठीक है, एस का उल्टा सी कोसेक, और कॉस का उल्टा सी साइन सेक हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास कोसेक किसके बराबर होता है, साइन के उल्टे के, साइन का उल्टा क्या होगा, पी अपॉन एच था ना, तो ये हो गया एच अपॉन पी। एच की वैल्यू क्या आई थी, वही सेम वाली रखेंगे, कोई दोबारा दोबारा थोड़ी ना निकालेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, एच की वैल्यू एक्स अंडर रूट 2, और पी की वैल्यू हमारे पास तो वही थी ना, क्या थी, एक्स थी, ठीक है, तो हम एक्स से एक्स को काट देंगे, कौन बचा, अकेला बेचारा रह गया अंडर रूट 2, तो दिस इज अवर आंसर। अब हमारे पास क्या हुआ, सेक की क्या वैल्यू होगी, भाई सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा क्या है, यहाँ पर बी अपॉन एच है, तो ये हो गया एच अपॉन बी, सही है। एच की वैल्यू वही थी, क्या थी, एक्स अंडर रूट 2, और बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू वही एक्स, एक्स एक्स हो गया कैंसिल, कौन बचा, अंडर रूट 2। उसके बाद क्या करेंगे, अब कौन सा साथी रह गया इनका, साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, टेन भी आ गया, कोसेक भी आ गया, सेक भी आ गया, कौन बचा, टेन का उल्टा रह गया भाई। टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है, कॉट 45। अब कॉट 45 कैसे निकलेगा,
भाई टेन का उल्टा कर देंगे ना, तो यहाँ पर क्या है, टेन बी अपॉन बी है, तो हम ये क्या कर देंगे, बी अपॉन टी कर देंगे। तो हमारे ये छः के छः जो मुश्किल बने हुए थे हमारे लिए, तो अब देख लीजिए कितना आसान होता है ये, कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है, और बस इसको करने की देर होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो कि हम सबके पास है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, और फिर ये सारे के सारे रेशियोज़ हम यूँ करके मिनटों में, चुटकियों में निकाल देंगे। सही है स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ 45 एंगल के तमाम एंगल्स हमारे पास आ गए हैं, तमाम के तमाम रेशियोज़ के।